नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग BTSC के रिगार्डिंग नई अपडेट जानने वाले हैं, बहाली प्रक्रिया की जो पहल की गई है उसके रिगार्डिंग, और जो BTSC के विज्ञापन का क्या कुछ अपडेट है, लिंक एक्टिवेशन के लेकर जो आप लोगों की जो मांगे हैं उनके रिगार्डिंग भी हम सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाले हैं। लगातार आप सबकी जो मांगे आ रही थी तो उनकी सारी अपडेट हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे आपको BTSC के रिगार्डिंग सारा अपडेट आपको मिलते रहते हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की रिगार्डिंग भी जो भी अपडेट आते हैं वो भी हम आपको सारा अपडेट बताते रहते हैं। तो क्या कुछ यदि हम बात करें, जैसे कि विज्ञापन की बात करें, तो आज इनका विज्ञापन आ जाना चाहिए थे। जैसे कि सारा जो कैंडिडेट है वो अपने विज्ञापन की इंतज़ार कर रहे हैं कि विज्ञापन अगर आ गया तो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, जो लिंक एक्टिवेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू किए जाएंगे, क्योंकि बहाली का जो पहला पहल होते हैं, जो कि बहाली का पहला प्रोसेस होते हैं, वो विज्ञापन आने के बाद जो फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया होती है वही होती है। और BTSC NM वाले कह रहे होंगे कि हम लोगों का तो सारा कुछ हो गया फिर भी लटका हुआ है, तो आप लोग भी थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आप लोग की रिगार्डिंग भी जल्द अपडेट मिलने वाले हैं। जैसे कि कोटेशन जो जारी किया गया था काउंसलिंग को लेकर, उनकी रिगार्डिंग BTSC की तरफ से आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेंगे। तो ये जो नया वैकेंसी आया है BTSC की तरफ से, उनका विज्ञापन अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। जैसे कि 28 ही डेट दिया गया था कि 28/8/2023 को आयोग BTSC की ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएंगे, लेकिन अभी BTSC की ऑफिशियली वेबसाइट को हमने ओपन करके देखे तो वहाँ पर अभी विज्ञापन नहीं आया है। इनका जो विज्ञापन में जो सारा डिटेल्स दिया था वो अभी नहीं आया है, तो अभी थोड़ा सा समय भी है, क्योंकि इनकी फॉर्म फिलिंग की जो समय है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो अभी टाइम है। तो बीच में आप लोगों को या तो आज या कल तक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे इसकी डिटेल्स, जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन है, तो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, वो BTSC का काम है, आयोग का काम है, और आयोग अपने अनुसार निश्चित रूप से जारी करेंगे। जैसे समय सीमा दिया गया है तो समय सीमा के अंदर ही सारा प्रक्रिया किए जाएंगे, और विज्ञापन जो आएंगे तो इसके विज्ञापन से सबकी आस है कि क्या कुछ होंगे एग्ज़ाम या जो कि मार्क्स आधार पर, क्योंकि ANM वाले का भी फंसा हुआ है, तो वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि नया जो वैकेंसी है वो किस आधार पर होंगे, और उससे ANM वालों का भी बेनिफिट होंगे। तो आप लोग का जब विज्ञापन आएगा तो उसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा, वैसे 23 की नियमावली के अनुसार है तो वैसे होना तो चाहिए एग्ज़ाम ही, क्योंकि 23 में नया नियमावली बना है कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन बीच में जैसे कि और भी जो आयुष चिकित्सक आया था तो उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था, वो मार्क्स आधार पर ही हुए थे। तो इस तरीके से क्या कुछ होंगे वो दिलचस्प बात होगी देखने की, जैसे इसके विज्ञापन में जो आएंगे कि इनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो BTSC सारा डिटेल्स इसमें जारी करेंगे, तो उसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा कि किस तरीके से इनकी बहाली का प्रक्रिया पूरा किया जाना है। तो जो कुछ भी आएंगे आयोग की तरफ से, जो भी रहेंगे एडवर्टाइजमेंट में, वो सारी जानकारियाँ एक एक करके हम आपके साथ साझा करेंगे। आप लोग इंतज़ार करिए, जैसे ही आएंगे सबसे पहले हम आपको अपडेट देंगे, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि जैसे ही आएंगे नोटिस कोई भी BTSC का वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो इस तरीके से सारी जानकारी आपको हम बताते रहते हैं, तो यदि आपके मन में और भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।